subject is science, and we are doing some one-liner questions from the subject of science. So today we are going to study chapter number 2 of science, which is a very important chapter from the 10th standard point of view also. Okay, and not just that, but you know, this chapter is also having some content, you know, which are very useful for your life also. That means, you know, it is having some basic fundamentals which are very necessary for the common sense and for the IQ, that is intelligent quotient of the students. So that is why, you know, this chapter is important in different perspectives. Okay, so it is not just about, you know, theory that we are studying, the theory of this chapter. Kuch theory kar li, kuch yaad rakh liya, kuch cheeze exam mein likh liya, khatam bhul gaye. नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है ये. तो इसमें से ऐसे कंसेप्ट देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बताऊंगा कि लाइफ में क्या ये यूज़फुल होंगे. और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि इस वीडियो से हम लोग कुछ 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी लेने वाले हैं. तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन लेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मज़ा आएगा उसमें भी. तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 2. सो चैप्टर नेम इज़ द मैटर अराउंड अस प्योर. तो क्या मैटर प्योर है या नहीं? ओके, तो मैटर की बात हो रही है यहाँ पे. सो सबसे पहले जो आपकी बुक में नहीं दिया है कुछ बेसिक चीज़ें, वो मैं बता दूँ. पहले तो मैटर जो है वो 2 टाइप के होंगे बेसिकली. किस बेसिस पे होंगे वो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं. कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड, क्या उसको सेपरेट किया जा सकता है? अगर सेपरेट किया जा सकता है तो वो है मिक्सचर. अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो वो प्योर सब्सटेंस है. क्योंकि अगर एक ही सब्सटेंस है तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे, है ना? तो मतलब कि अगर उसको सेपरेट किया नहीं जा सकता, दैट मीन्स इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस. इफ़ इट इज़ सेपरेबल, उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो वो क्या है? मिक्सचर. क्योंकि दो या ज़्यादा चीज़ों को जब मिक्स किया होगा, मिक्सचर बना होगा, तो ही ऐसा होगा कि जिसको आप सेपरेट कर सको. अभी मिक्सचर में क्या है, फिर से 2 पार्ट है. एक क्या है कि क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है? अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो वो होमोजीनस मिक्सचर है, जिसमें कंपोनेंट पूरा पूरा घुल जाता है, है ना? जैसे कि शुगर जो है वो पानी के अंदर पूरी पूरी घुल जाती है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर. और हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद प्योर सब्सटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंपोजिशन दी है हमको. कैन इट बी केमिकली डीकम्पोज्ड, क्या उसको डीकम्पोज किया जा सकता है? डीकम्पोज मतलब कि टोटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. अगर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है वो कंपाउंड है, अगर उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो वो एलिमेंट है. तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो सबसे छोटा प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है? एलिमेंट, है ना? जैसे कि कोई सिंगल एलिमेंट ले लो आप, जैसे कॉपर ले लिया, कुछ भी ले लिया, राइट? तो चलिए देखते हैं, इस क्लासिफिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो सबसे पहले पूछा है कॉमन सॉल्ट इज, तो कॉमन सॉल्ट जो है वो क्या है? दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता है, हम हमेशा करते हैं, आपको अगर आंसर पता है तो डेफिनेटली आप आंसर दे सकते हो आंसर दिखाए जाने से पहले, है ना? अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो, आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर है, फंडामेंटल्स जो है वो भी क्लियर है. तो अगर आप आंसर दे सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल बी गिविंग यू द आंसर इन 10 सेकेंड्स. ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो ओवरऑल क्या होता है, केमिकली क्या होता है? तो चलिए देखते हैं, आंसर आ गया हमारा यहाँ पर. तो कॉमन सॉल्ट जो है वो है एक कंपाउंड. फ्रेंड्स, हमने देखा था 2 चीज़ों का कंपैरिजन था, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना? तो प्योर सब्सटेंस है उसमें 2 पार्ट थे हमारे, एलिमेंट और कंपाउंड. फ्रेंड्स, वो जो पार्ट था, जो पहला हमारा चार्ट दिखाया गया था आपको, वो चार्ट आप वीडियो पॉज करके ज़रूर ड्रॉ कर लें, या फिर रिपीट करके ज़रूर ड्रॉ कर लें, क्योंकि एक ही चार्ट के ऊपर से आप पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ईजीली समझ पाएंगे. तो यहाँ पे सोल्ट है वो कंपाउंड है. क्यों कंपाउंड है वो? क्योंकि सोल्ट मतलब कि सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो वो सोडियम और क्लोराइड दोनों के एटम से मिलके बनता है, मतलब कि वो कंपाउंड है जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है, उसको बोला जाता है कंपाउंड. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फ्रेंड्स, ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन डैश सब्सटेंस मिक्स्ड इन पोर्शन. अभी यहाँ पे बात आ गई. तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लासिफिकेशन फिर से याद दिला दूँ. जब जो हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन था, उसमें 2 मेन पार्ट थे, एक था मिक्सचर और एक था प्योर सब्सटेंस. तो मिक्सचर में बोला है कि क्या होता है, मोर देन डैश सब्सटेंस, तो कितने सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं और कौन से प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं. तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन, राइट? जैसे यस, चलिए यहाँ पे आ गया हमारा आंसर कि मोर देन 1 सब्सटेंस इज मिक्स. मिक्सचर के लिए हमको क्या चाहिए? मिनिमम मोर देन 1 सब्सटेंस, मतलब कि मिनिमम 2 सब्सटेंस तो चाहिए ही चाहिए, मोर देन 1.
और प्रपोर्शन मतलब कि कौन सी क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, कोई भी क्वांटिटी ले लो। मतलब कि अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप शुगर ज़्यादा डाल दो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप नींबू ज़्यादा डाल दो, है ना। तो कोई भी प्रपोर्शन में ले लो, वो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बोल रहा था आपको फ्रेंड्स कि वो चार्ट आपको याद रखना है, चार्ट के ऊपर से ही सारी स्टोरी जो है वो घूमती रहेगी और आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। चलो तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाले हैं आपके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डैश आर डिफरेंट फ्रॉम इट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वेर एज डैश शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूटिंग। मतलब किसकी प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है और किसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, समझ में नहीं आपको, हिंदी में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके एलिमेंट से अलग होती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आप देख लो तो हमारा फर्स्ट आंसर है वो है कंपाउंड। मतलब कंपाउंड जो है वो बनता है, जैसे कि हमने अभी देखा सॉल्ट है ना, मिक्सचर होता है वो। तो कंपाउंड जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। मतलब कि अलग अलग जो कंपाउंड मिक्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट मिक्स करके कंपाउंड बनते हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ अलग होती है। लेकिन मिक्सचर में एक ही क्वालिटी का आउटपुट बाहर आता है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा था। तो मैं शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहा था, विच इज़ अ मिक्सचर, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, एक ही रहेगी, कि उसका टेस्ट जो है वो जब आप पहली बार पियोगे और लास्ट आप पियोगे एक ही ग्लास में से, तो वो सेम ही रहेगी। तो उसका आंसर होगा मिक्सचर। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले, दैट इज़ अ क्वेश्चन। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए मिक्सचर दैट, तो वो कौन सा मिक्सचर है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर दैट इज डैश, तो वो कौन सा मिक्सचर है उसकी डेफिनेशन हमको बतानी है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 25 क्वेश्चन का एक लेक्चर होता है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको दूंगा, तो वो तो एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, डिफाइन द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन को क्या करना है, डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ होगी उसमें, होमोजीनस। तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा मिक्सचर है जो कैसा है, होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि उसमें सारी की सारी चीज़ें मिली हुई होती है ना। कई बार कुछ चीज़ों को साथ में मिलाया नहीं जा सकता, जैसे कि आप बोल सकते हो रेत एंड पानी, रेत एंड वाटर, है ना। तो मतलब कि जब भी रेत होगी उसको आप पानी के साथ मिला दोगे तो वो मिक्स नहीं होगी, तो वो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो आपको ग्लास में अगर दोनों को मिक्स करोगे तो जो रेत होगी वो नीचे आपको दिखती रहेगी, सेपरेटली दिखती रहेगी। तो होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, कि जहाँ पे वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय रिमूविंग बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, तो अगर हमको रिमूव करना है सॉल्ट को कहाँ से, सॉल्यूशन में से, तो कोई एक सॉल्यूशन है, मतलब कि कोई एक लिक्विड मिक्सचर है, तो ये लिक्विड मिक्सचर में से हमको क्या रिमूव करना है, हमको सॉल्ट को रिमूव कर देना है। तो अगर सॉल्ट को रिमूव करना है तो कौन सी प्रोसेस होगी जिससे हम सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, ये ब्लिंक वाला क्वेश्चन है जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। आंसर इज़ इवेपोरेशन। फ्रेंड्स, अगर आप अभी पोरबंदर गए हो तो द्वारका के पास बहुत अच्छी जगह है पोरबंदर, उसके पास टाटा सॉल्ट की फैक्ट्रीज़ हैं। तो अगर आप वहाँ से पास होंगे तो आपको पता चलेगा कि रेत के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो मतलब बोलते हैं कि वहाँ पे सॉल्ट को सुखाया गया है। तो जब भी दरिया में से, मतलब कि ओशन में से हम सॉल्ट निकालते हैं, उसको सुखाया जाता है, मतलब कि इवेपोरेट किया जाता है। तो जब भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी जो है वो एटमोसफियर में घुल जाता है, तो क्या बचता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट इज़ लेफ्ट व्हेन यू नो वाटर इज़ इवेपोरेटेड। तो सॉल्ट को सेपरेट करने का सबसे अच्छा, सबसे ईजी पार्ट क्या है, इवेपोरेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए प्योर सब्सटेंस हैज़ ए फिक्स्ड डैश और डैश एज ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो जो भी प्योर सब्सटेंस होगा फ्रेंड्स, हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, आपको याद होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस जो है वो कौन से पार्ट में आता है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या है, ठीक है, उसके पास फिक्स्ड क्या है, जब भी टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब कि टेम्परेचर अगर सेम ही है
तो प्योर सब्सटेंस के पास क्या दो ऐसी चीज़ है कि जो फिक्स हो सकती है, मतलब कि वो वेरी नहीं करेगी, मतलब कि वो चेंज होती नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा अगर हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कभी बदले नहीं जाएंगे। जैसे कि हमको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो वो 100 डिग्री ही रहेगा, कभी वो चेंज नहीं होगा अगर प्रेशर सेम है तो। ठीक है, अदरवाइज वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सेम ही रहते हैं। किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ले लो या फिर बॉइलिंग पॉइंट ले लो, वो दोनों जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन जो दी गई है उस हमेशा सेम रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला आपको क्वेश्चन आया तभी मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, फेवरेट ब्लैंक है। आप पिछले साल के कोई भी पेपर्स उठा के देख सकते हो, एवरी अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमने बहुत सारा रिसर्च किया है उसके बाद ये आपके लिए क्वेश्चनर बनाई है, आंसर हम लेके आए हैं। तो एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के कौन सी चीज़ से बना हुआ होता है, अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो, अदरवाइज यू हैव 10 seconds टाइम। तो चलिए आंसर आ गया यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो है एटम्स। तो जो एलिमेंट है वो प्योर एटम्स से बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा एक एटम दिखाया गया है आपको, स्ट्रक्चर उसका दिखाया गया है। जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे 10th में, बहुत डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर आप साइंस लेते हो तो एटम्स और मोलिक्यूल्स आपके आसपास घूमते रहेंगे, आपके सपनों में भी आएंगे और सपनों से भी जगह देंगे आपको, क्या पता। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसमें कौन सी चीज़ है कि जो कॉन्स्टेंट होती है, एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय। मिसिबल है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिसिबल लिक्विड्स जो है उसका मतलब क्या होता है। तो ये ऐसे लिक्विड्स हैं कि जो एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स नहीं हुए, मतलब आप उसको कुछ ना कुछ चीज़ करके सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो तो ऑयल और वाटर है वो मिक्स नहीं होते, है ना। तो ये दो लिक्विड अगर आपको रॉ मटेरियल में मिक्स ही मिलते हैं तो उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोला जाता है मिसिबल लिक्विड्स, मतलब कि एक दूसरे में वो घुल मिल नहीं जाते हैं, ऐसे लिक्विड हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को कौन सी प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। चले देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक टेम्परेचर पे जो सब्सटेंसेस है उसको गर्म किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि नीचे जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं हम। तो होता क्या है कि जो भी चीज़ यहाँ पे फ्लास्क में दी गई है लिक्विड, ठीक है, उसमें से जो भी एक सब्सटेंस है वो इवेपोरेट होके दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब कि वो गैसियस सब्सटेंस बनके दूसरी तरफ सामने की तरफ नीचे चला जाएगा। जो आप नीचे देख सकते हो दूसरा बीकर रखा है वहाँ पे चला जाएगा, उसको बोला जाएगा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल क्यों, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पार्ट होके जाएगा, इसलिए उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल। और डिस्टिलेशन मतलब क्या, कि प्योर करना, किसी भी चीज़ को प्योर करना, उसका मतलब होता है डिस्टिलेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाई यूजिंग। अभी इमिसिबल लिक्विड्स है, आपको दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ अलग है। इमिसिबल लिक्विड्स है उसको किससे सेपरेट किया जाता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो ज़रूरी है जितना करना है उतना ही आपको देंगे, हम ओवरबर्डन नहीं करेंगे आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही चीज़ सीधा आपके लिए लाएंगे, तो उतने क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। जैसे ही आपकी एग्जाम नज़दीक आती है ये वीडियो हम रिपीट दिखाएंगे आपको, तो कोई भी एक मार्क वाला क्वेश्चन ब्लैंक ट्रू और फॉल्स छूटेगा नहीं आपसे। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर है सेपरेटिंग फनल। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हमारी बात कौन से टाइप के लिक्विड की, इमिसिबल लिक्विड्स की। तो इमिसिबल लिक्विड्स है वो कैसे सेपरेट होते हैं, सेपरेटिंग फनल से। मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मिक्सचर है उसको फनल में डाला जाता है, डाल के उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको रखा जाता है 3-4 घंटे ऐसे। तो होगा कि जो भी सब्सटेंस थिक है वो नीचे रहेगा, और जो भी सब्सटेंस मतलब कि जिसका वेट कम है, जिसकी विस्कोसिटी कम है, वो ऊपर रह जाएगा। तो ऐसे दोनों चीज़ें जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो जो भी ऐसा सब्सटेंस है कि जो पूरी तरह उसमें सोल्यूबल नहीं हुआ है, अंदर नहीं गया है लिक्विड के अंदर, वो नीचे रह जाएगा, तो उनको नीचे से सेपरेट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं
फिल्टर्ड टी, यहाँ पे बोला जाता है फिल्टर्ड टी, जो हम टी का फिल्ट्रेशन करते हैं, चाय को बनाते हैं हम, तो फिल्टर्ड टी जो है वो कौन सा मिक्सचर है? फाइन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिल्टर्ड टी इज अ डैश मिक्सचर, कौन से टाइप का मिक्सचर है, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी द आंसर. सी फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए कि जिसका आंसर आपको आता है. अगर आपको आता है दैट मीन्स योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग एंड योर ओवरऑल स्किल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. आपको ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं बेसिक जो आने ही चाहिए. तो फ्रेंड्स, जो फिल्टर्ड टी है वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है. होमोजीनस क्यों है? अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप चाय बनाते हैं तो होता क्या है कि जो शुगर है चाय है वो मिल जाती है, मतलब कि घुल जाती है मिल्क के अंदर. तो जो चीज़ अंदर नहीं घुल पाती है उसे कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं, और जैसे ही फिल्ट्रेशन होता है तो वो बन जाता है होमोजीनस मिक्सचर. उसको फिल्टर कर दो मतलब कि जो भी चाय की पत्ती बाकी थी वो निकल जाएगी, तो यू आर गेटिंग ए होमोजीनस मिक्सचर. तो फ्रेंड्स, फिल्टर्ड टी कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है, इट इज़ नॉट ए हेट्रोजीनस मिक्सचर. कभी भी कन्फ्यूज मत होना. चलिए देखते हैं, एलोय इज है, तो एलोय मतलब क्या है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जामनगर में हैं, तो जामनगर इज़ द सिटी ऑफ ब्रास पार्ट इन इंडिया. तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि एलोय क्या है, है ना. यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका बिजनेस होगा एलोय का, तो आपको 110% पता होना चाहिए कि एलोय एक्चुअली होता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है, वगैरह वगैरह. क्योंकि ये मैंने जैसे बोला था आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि ओवरऑल आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आईक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि एलोय जो मतलब है वो होता क्या है. चलिए देखते हैं इसका आंसर, लेट्स सी. सो एलोय इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन. ओके फ्रेंड्स, एलोय क्या होता है? वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है. सॉलिड सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन कैसी चीज़ का सॉल्यूशन है वो? तो एलोय जो है वो मिक्सचर है दो चीज़ों का, दो या उससे ज़्यादा चीज़ों का जो मिक्सचर किया जाता है. यस, ये मिक्सचर कैसा है? सॉलिड मिक्सचर, मतलब कि दो चीज़ों को पिघला के, है ना, जैसे कि आप ले लो कॉपर ले लो ले लो, ऐसी चीज़ों को पहले मेल्ट किया जाता है, उनको फिर से मिक्स किया जाता है, तो बनता है सॉलिड सॉल्यूशन. लेकिन जिसको मिक्स किया जाता है और एक सब्सटेंस जो बना है उस सब्सटेंस को बोला जाता है एलोय, या उसको ब्रास भी बोला जाता है कई बार, राइट. तो इसको बोला जाता है एलोय. एलोय क्या है फ्रेंड्स? सॉलिड सॉल्यूशन, याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में आपके सामने. सब्लिमेशन ऑफ ए कैम्फर इज ए डैश चेंज. तो सब्लिमेशन जो होता है वो कौन से टाइप का चेंज है? अभी ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो टेक्स्ट बुक में से बीच से अंदर से लिया गया है, एक सेंटेंस में से एक वर्ड निकाल दिया गया है. वैसे ये ब्लिंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि सब्लिमेशन है, कैम्फर का सब्लिमेशन वो एक कौन से टाइप का चेंज है. चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर. तो फ्रेंड्स, वो है फिज़िकल चेंज. फिज़िकल चेंज क्यों है? क्योंकि फिज़िकली उसका स्टेट जो है वो चेंज होता है ना. तो फिज़िकली आप देखोगे तो उसका जो लुक है, मतलब कि जो बाहर का सरफेस है, उसका आउटर सरफेस है, वो चेंज होता है कैम्फर का. दैट इज़ वाई दिस चेंज इज़ कॉल्ड ए फिज़िकल चेंज. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ऐसे फिज़िकल चेंज कई हम देखते हैं कि जो होते रहते हैं, स्पेशली जो जामनगर, खंबालिया, द्वारका, ये सब एरियाज़ है वहाँ पे ये फिज़िकल चेंज बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिलते हैं. क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ पे हवा चलती है, वो वेट रहती है. तो ड्राई प्लेस में नहीं है हम, वी आर वेरी नियर टू द ओशन. चले देखते हैं नेक्स्ट वन. मोस्ट कॉमन केमिकल चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन अवर रूटीन लाइफ. तो सबसे कॉमन केमिकल चेंज हमारी रूटीन लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं. वैसे कई सारे केमिकल चेंजेस हैं जो कंटिन्यूअसली हम ऑब्जर्व करते ही रहते हैं. देर आर मेनी केमिकल चेंजेस दैट आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. तो सबसे कॉमन केमिकल चेंज जो है वो कौन सा है, जो हम बहुत ही रूटीन में यूज़ करते हैं और वी टेक इट वेरी वेरी कॉमन. अगर आपको आंसर पता है 5 सेकंड्स, आप बता सकते हो आंसर. जैसे जैसे आप आंसर बताते जाओगे, आई एम वेरी श्योर कि होगा ये कि आप इम्प्रूव होते जाओगे. चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर इसका. तो यहाँ पे आंसर है आयन. ओके, कई सारी चीज़ें हमारी आयन से बनी हुई होती है. जैसे कि आप विंडोज़ की ग्रिल्स ले लो, तो ग्रिल्स बनाई जाती है वो ब्लैक कलर की होती है, आयन की होती है, आपको पता ही होगा. तो उसका रस्टिंग होता है ना, जिसको गुजराती में हम क्या बोलते हैं कि काट लागी जाऊ, काट लागी जाई है ना, एने के भाई रस्टिंग, दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग. सो रस्टिंग ऑफ विच एलिमेंट इज़ मोस्ट कॉमन,
तो वो एलिमेंट है आयन। तो आयन का रस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर है, वेरी कॉमन प्रोसीजर, राइट। आई होप यू नो इट एंड यू मस्ट बी नोइंग इट, अदरवाइज ऑल्सो एज आई सेड ए पार्ट ऑफ कॉमन सेंस। चले देखते हैं। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, तो एलिमेंट जो है वो किससे बना है फ्रेंड? ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी आ गया है, अगर आप इसका आंसर दे सके तो उसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे फोकस में हो ये लेक्चर में। एलिफेंट जो है वो एलिमेंट जो है वो किससे बनता है फ्रेंड्स? रिकॉर्डिंग दिन रात चलते रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि ये हालत क्या होती होगी। तो एलिमेंट का एलिफेंट बन रहा है देखो आप, बट थैंक्स टू गुड स्टूडेंट्स लाइक यू कि सब लोग सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलिमेंट जो है वो कौन से टाइप्स के चीज़ों से बना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है एटम। फ्रेंड्स पर्पसफुली ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, मैं तब भी आपको बोला था कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर आपको याद रहा है तो इसी टाइप की एक डायग्राम थी कि जो एटम्स की डायग्राम थी, फाइन। तो एलिमेंट किससे बनते हैं? सिर्फ एक ही टाइप के स्ट्रक्चर से बनते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है फ्रेंड्स? द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज एटम, राइट। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आपको पता ही होगा कि कोई भी एटम है वो बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, राइट। तो एटम से बनते हैं एलिमेंट्स, तो एटम्स जो मिक्स होते हैं उससे बनते हैं एलिमेंट। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से एटम्स मिक्स होते हैं, मोलिक्यूल्स मिक्स होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ब्राइन इज डैश वेयर एज अल्कोहल इज डैश, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस के नाम दिए हैं आपको कि ब्राइन जो है दैट इज़ ऑल्सो वन सॉल्यूशन, अल्कोहल है वो भी एक लिक्विड है, वो भी एक सॉल्यूशन है। तो ये दोनों केमिकली क्या है, हाउ डिफरेंट दे आर केमिकली कंपेयर टू ईच अदर, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये दो मार्क में भी पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे दो वर्ड ही ज़रूरी है लेकिन ये इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द फाइनल एग्जामिनेशन। तो ब्राइन क्या है वो बताना है, सेकेंड पार्ट अल्कोहल क्या है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ब्राइन जो है वो है एक मिक्सचर, राइट, इट इज़ वन मिक्सचर। मिक्सचर आपको पता ही है, यू नो व्हेन मोर देन टू सब्सटेंसेज आर कमिंग टुगेदर दे आर मिक्सचर, सो ब्राइन इज़ ए मिक्सचर। एंड अल्कोहल इज़ ए कंपाउंड, अल्कोहल इज़ ए वन सिंगल कंपाउंड, राइट। मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस भी आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, तो आपको बेसिक डिफरेंस तो पता ही है कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो अल्कोहल जो है वो है कंपाउंड और ब्राइन जो है वो है मिक्सचर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। चले देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ब्रास इज एन एलॉय विच इज कंसिडर्ड ए, फ्रेंड्स मैंने आपको अभी 5-6 क्वेश्चंस पहले ही बताया कि ब्रास क्या होता है, एलॉय क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब भी दो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं, व्हेन टू सॉलिड सब्सटेंसेज आर मेल्टेड, उनको मेल्ट किया जाता है, फिर उनको मिक्स किया जाता है कुछ केमिकल्स डाल के, तो जो थर्ड चीज़ें बनती है वो होता है एलॉय। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। तो ब्रास जो है वो भी एक टाइप का एलॉय है। मैंने आपको बताया था कि जामनगर इज़ ए ब्रास सिटी ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा ब्रास पार्ट जो है वो जामनगर में बनता है। इंटरनेशनल फेयर्स जो होते हैं मशीनरीज के ब्रास पार्ट के, वहाँ पे हमारे बिजनेसमैन जाते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर। तो ब्रास एक ऐसा एलॉय है कि जो क्या बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, मिक्सचर बोला जाता है। आपको लगेगा कि ब्रास तो सॉलिड सब्सटेंस है, कई बार आप देखते हैं कि ब्रास के हैंडल होते हैं, डोर के हैंडल होते हैं, वो ब्रास के होते हैं, जनरली दे आर यू नो ऑफ गोल्डन कलर, है ना। तो ऐसे गोल्डन या सिल्वर कलर के ब्रास के हैंडल्स होते हैं, वैसे कई सारी प्रोडक्ट्स स्टॉपर्स होती हैं, सारी होती हैं। तो एक्चुअली बेसिकली वो क्या है, दे आर मिक्सचर, दे आर नॉट सॉलिड सब्सटेंसेज और दे आर नॉट कंपाउंड, बट दे आर मिक्सचर, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्री इम्पोर्टेंट मेटेलॉइड्स आर, तो कौन से तीन ऐसे मेटेलॉइड्स हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, राइट। तो मेटेलॉइड्स क्या है पहले तो आपको वो भी पता होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट तीन मेटेलॉइड्स कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस के व्यू पॉइंट से, 9th स्टैंडर्ड के व्यू पॉइंट से, यहाँ पे आपको बताने हैं तीन नाम मेटेलॉइड्स के। अगर आप साइंस लेते हो तब तो आप इन चीज़ों के आसपास ही घूमते रहोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आने वाली हैं जब भी आप साइंस में जाओगे, अगर आप जाओ तो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा, मेटेलॉइड्स हमको बताने हैं। तो आंसर है बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम।
ओके सो आंसर अवर आंसर दैट वी हैव इज यू नो बोरोन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तीनों नाम याद रखने हैं, यहाँ पे नाम से ही काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो अगर कुछ ट्रिकी पेपर आपका पूछा गया, अगर कुछ डिफिकल्ट ही निकालना है तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ जाए। वैसे फाइनल एग्जाम में ये आए इसके चांसेस कम है, इट इज़ मोर फॉर द इंटरनल एग्जामिनेशन। तो बोरोन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये याद रखने हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्स विच आर सोनोरस आर कोल्ड। तो सोनोरस एलिमेंट्स जो हैं उसको क्या बोला जाता है, सोनोरस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, पहले तो आपको वो पता चलना चाहिए। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स की जिसको हम मेल्ट कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उसको बोला जाता है सोनोरस। अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो नॉट इन द साइंटिफिक टर्म्स, तो उसको बोला जाता है सोनोरस। तो जो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो सोनोरस हैं उसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कि क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा आंसर है मेटल्स, इनको मेटल्स बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ मेटल को गर्म किया जाता है, तो गर्म करके उसको यू नो बर्न करके ऐसा होगा कि जब भी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो तो उसको शेप दिया जा सकता है। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड को कोई अलग शेप में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आपको पहले मेल्ट करना पड़ेगा, फिर मेल्ट करने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी शेप में। तो यहाँ पे वो हो गए सोनोरस मेटल्स, राइट। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ये, डिफरेंशिएट एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, राइट। मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था एक क्लास कि जहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी स्टेज पे बताया था कि तीनों का डिफरेंस क्या है, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, ये तीनों का डिफरेंस क्या है। अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, वैसे हम डायग्रामेटिक व्यू से ही देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 100% इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करना है हमको तीनों को। तो पहले तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। आप सबसे ऊपर देख सकते हो एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ आ ही नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एक एक मोलिक्यूल है ना। तो उसको जब भी जॉइंट किया जाता है तो क्या बन जाता है, ऑक्सीजन, मतलब कि O2। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2, है ना। तो ऑक्सीजन एटम जो दो मिक्स होते हैं तो क्या बोला जाता है उसको, मोलिक्यूल। तो वो है एलिमेंट, राइट। तो एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है। हाइड्रोजन तो पूरा हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन तो पूरा ऑक्सीजन होगा, लेकिन सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है उसको बोला जाता है एलिमेंट। सेकंड देखेंगे हम कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब दो या उससे ज़्यादा एटम्स को केमिकली मिक्स किया जाता है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा वो है मिक्सचर, जब भी हम दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है मिक्सचर। सो फ्रेंड्स आई होप इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। तो प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या है, तो हमको वो बताना है व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस, और हमको मेटल्स के दो एग्जांपल्स देने हैं कि मेटल्स जो है वो कौन कौन से हैं या कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं जो आपको पता है। चलिए देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विथ नो इम्प्योरिटीज। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये वर्ड्स, नो इम्प्योरिटीज, अगर ये वर्ड्स आंसर में आते हैं तो एक मार्क मिलेगा, अदरवाइज नो मार्क्स, दैट्स अ डील। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, विथ नो इम्प्योरिटीज, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो मेटल्स के एग्जांपल क्या है, वो तो बहुत सारे हैं, आप आयन देख लो, मर्क्यूरी ले लो, बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं जो मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। चले देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर मेटल्स, तो मेटल्स क्या है, हमको अभी देने हैं दो एग्जांपल्स मेटल के, राइट। फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है कि मेटल क्या है। फ्रेंड्स कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोनों ही चीज़ों में,
पहले पूछा था सब्सटेंसेस क्या है, तो हमने पूछ बोला था कि सब्सटेंसेस ऐसी चीज़ है कि जो क्या है प्योर है विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़। अभी यहाँ पे पूछा है मेटल क्या है, चलिए देखते हैं कि मेटल क्या है। मेटल आर द एलिमेंट्स विच हैव लस्टर, डक्टाइल, मेलिएबल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बहुत सारी चीज़ें हो गई है, तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि दो मार्क वाले क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड किए हैं, तो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन कीजिए या वो लिस्ट डाउन कीजिए, तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, लस्टर, डक्टाइल, मेलिएबल, हमने बताया था मेलिएबल क्या है, सोनरस, सोनरस का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब कि अच्छे कंडक्टर होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और एग्जांपल्स क्या है मेटल्स के जो आपके पास हमेशा रहता है, गोल्ड और सिल्वर, फ्रेंड्स तो वो तो आपके पास आपके हाथों में ही होगा शायद, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। तो मेटल्स एग्जांपल दिए उसको, उसके हमने और एग्जांपल के साथ साथ हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे दिखाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट थ्री क्वेश्चंस आर लेफ्ट नाउ फ्रेंड्स। विच मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ नेप्थालिन एंड कॉमन सॉल्ट, तो कौन सी मेथड है वो यूज़ की जा सकती है नेप्थालिन और कॉमन सोल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। फ्रेंड्स वैसे तो केमिस्ट्री में बहुत ही सारे चीज़ ऐसी होती है, बहुत ही सारे मिक्सचर्स होते हैं, तो अलग अलग मिक्सचर को आप सेपरेट करोगे तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स चाहिए, अलग अलग कंपोजिशन चाहिए। यहाँ पे हमको पूछा है कि कौन सी मेथड से उसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी मेथड है वो है सब्लिमेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस जो है यहाँ पे लाइव दिखाई हुई है आपको। तो क्या हो रहा है सब्लिमेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना, टेम्परेचर में सडन चेंज करना। जैसे ही आप सडन चेंज करोगे तो जब तक मुझे पता है सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, तो दैट इज़ द सब्लिमेशन मेथड। चले देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो होमोजीनस मिक्सचर्स क्या है और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या है, इसको हमको डिफाइन करना है। फ्रेंड्स जब भी वर्ड आता है डिफाइन, उसका मतलब कि आप 100% श्योर हो, ऐसा आंसर लिखना है आपको। कोई भी वर्ड इधर से उधर हुआ मतलब कि आपका मार्क्स गया, नो डील। ओके, तो देखते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। चले देखते हैं, होमोजीनस आर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब क्या, सबका सेम है ना। तो होमोजीनस चीज़ क्या है, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, होमो मतलब कि सेम, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर है वो। वाइल हेट्रोजीनस आर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना, तो कंपोजिशन मिक्सचर ये वर्ड भी आपको लिखना है राइट। तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और एक जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। तो होमोजीनस का एग्जांपल क्या है, सॉल्ट इन वाटर, तो जब भी सॉल्ट को डाला जाएगा पानी के अंदर वो घुल जाएगा, वो बन गया होमोजीनस मिक्सचर, अच्छे से मिक्स हो गया, वो दिखता नहीं है सॉल्ट। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या हो गया, ऑयल इन वाटर, तो क्या होगा अगर पानी के ऊपर ऑयल डाल भी दिया आपने तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, वो ऑयल जो है वो ऊपर से ऊपर तैरता रहेगा और वो पानी से नीचे नहीं जाएगा। क्यों नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑयल का वेट जो है वो वाटर से कम होता है, तो उसको बोला जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। चलिए फ्रेंड्स, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू क्वेश्चंस, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब हम 24 क्वेश्चंस तक पहुँच गए, तो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी हमने ये लेक्चर किया कंप्लीट। तो 24th क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। सब्सटेंस शायद एक या दो चेंज हो जाए, लेकिन इसमें से सेम क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमको है क्लासिफिकेशन किसका, ये जो फॉलोइंग चीज़ें हमको दे रखी है वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर वो मिक्सचर भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो लिस्ट हमको दिया था उसमें से एलिमेंट्स कौन से हैं, तो फ्रेंड्स सोडियम, सिल्वर, टिन, ये सारे जो हैं वो एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, सोडियम है तो उसमें एक ही टाइप का एटम होता है, मतलब कि सोडियम Na बोलते हैं जिसको, तो वो है सोडियम। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर जिसको Au बोला जाता है, सिल्वर, और टिन, ओके, मतलब कि Tn, तो ये सारे एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। सेकेंड वन इज़ कंपाउंड, तो कंपाउंड का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 राइट, तो कैल्शियम भी है उसमें, कार्बोनेट भी है, तो कैल्शियम का एटम है, कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, तीन एटम से बनता है ये कंपाउंड।
और लास्ट वन जो है वो मिक्सचर। मिक्सचर आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है, इस लेक्चर अटेंड करने के बाद तो डेफिनेटली ईजी रहने वाला है। मिक्सचर कौन कौन से हो सकते हैं? एक सोइल है, सोइल जो है वो बेस्ट एग्जांपल है मिक्सचर का फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, क्योंकि सोइल में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्सड अप ही है, तो उसका मतलब कि सोइल जो है वो एक मिक्सचर है। और सेकंड जो है वो शुगर सॉल्यूशन, बहुत ही ईजी एग्जांपल। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम हो, या तो 24th क्वेश्चन आएगा या तो 25th क्वेश्चन आएगा, इसके बगैर पेपर हो ही नहीं सकता आपका। तो चलिए देखते हैं ये क्लासिफिकेशन, हमको क्लासिफाई करना है सोडा वाटर को, वुड को, एयर को, सोइल को और विनेगर को। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो या फिर आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। तो होमोजीनस मिक्सचर्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट इज सोडा वाटर। सोडा वाटर जो है वो होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि जब भी आप सोडा पीते हो तो आपको सोडा सेपरेट और वाटर सेपरेट दिखेगा नहीं। एयर भी ऐसा ही एक मिक्सचर है, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग दिखती नहीं है हमको। विनेगर भी एक ऐसा ही मिक्सचर है। उसके बाद देखते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है? वुड एंड सोइल। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मतलब कि जब भी उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्ट करके देखा जाएगा, तो होगा वो कि आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, वो एक दूसरे में बहुत ही जल्दी मिक्स होने वाली नहीं है। तो वुड हो गया, सोइल हो गया, ये कैसे मिक्सचर है फ्रेंड्स? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि वुड के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें अंदर होती है। सेम विद द सोइल ऑल्सो, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया है सोइल का। सोइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस मिक्सचर का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कहीं मिक्स्ड होती हैं। चले फ्रेंड्स, तो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता टुडे, एंड आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता टुडे, गुड बाय।